मामला जो है जवालापुर कोतवाली के अंतर्गत एक घटना घटी है, जिस मामले को धर्म और जाति के नाम पर तुल दिया गया है माननीय विधायक जी के द्वारा। मामला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उस मामले को सांप्रदायिक मामले में तब्दील किया गया माननीय विधायक जी के द्वारा, जो बिल्कुल भी किसी भी हद तक बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने कोतवाली में पहुंचकर 200-250 की संख्या में जो कार्यकर्ता उनके बजरंग दल, हिंदू वाहिनी वगैरह वगैरह के पहुंचे, और वहां जाकर एक सांप्रदायिक माहौल इन लोगों ने मुस्लिम समाज के प्रति बनाया है। वहां बैठकर ये कहा है कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, कठमुल्ले और इन जिहादियों की जगह है पाकिस्तान में। तो मैं माननीय विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि ये देश बाबा साहब के सपनों का भारत है, महापुरुषों के सपनों का भारत है, और इस भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता है, उस प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान बरकरार है, बरकरार रहेगा, क्योंकि वो देश का नागरिक है। जिस प्रकार से एक विशेष जाति, विशेष धर्म को टारगेट करते हुए इस माहौल को क्रिएट किया गया है, सबसे पहले उन लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक पक्षीय कार्रवाई ना होकर दोनों पक्षीय कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला दोनों तरफ से हुआ है। मुस्लिम समाज से दो लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि इसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों को चोट आई है, हड्डी तक टूटी है। तो आज इसी मामले को लेकर हम जवालापुर कोतवाली में पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां पर कुछ पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से हमें जो है जगह चेंज करनी पड़ी और हम बादराबाद थाने में पहुंचे हैं। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से हमारी वार्ता सीओ साहब, सीओ सिटी और कोतवाल साहब से हुई है, हमने तहरीर उन्हें दी गई है, और इस तहरीर के बेस पर, मेडिकल के बेस पर मुकदमा दर्ज होगा और उन लोगों को भी जेल भेजा जाएगा जो विपक्षी लोग हैं, जिन्होंने एक पक्ष पे आकर हमला किया, घर में घुसकर हमला किया है, और फिर एक पक्षीय कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। इसमें बिल्कुल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया है, अगर इसमें कार्रवाई नहीं की जाती है, आज तो हम सीमित संख्या में आए हैं, फिर यहाँ पर पूरा मुस्लिम समाज और पूरे बहुजन समाज के सामाजिक जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, आला पदाधिकारी हैं, वो सब यहाँ जवालापुर में आकर इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से क्षेत्रीय विधायक ने माहौल को क्रिएट किया है एक विशेष जाति, विशेष धर्म के प्रति कोतवाली में घुसकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उन्हें मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहिए था। उनके लिए मुस्लिम भी इतना है, उनके लिए हिंदू भी इतना ही है, क्योंकि वो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो उन्हें बैठकर मामले को सही तरीके से निपटाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। अगर पुलिस इसमें आगे कार्रवाई नहीं करती है तो उसे पक्ष के खिलाफ, तो आगे आज हमने इसमें जो है ये तहरीर दी है, और परिवार के लोग साथ में खड़े हैं, पदाधिकारीगण साथ में खड़े हैं जो इस मामले को देख रहे हैं। इसमें तहरीर दी गई है, हमने पहले ही कह दिया, चेतावनी देते हैं, अगर इस तहरीर पर और उन लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है जो लोग लगातार फेसबुक पर जिहादी, कठमुल्ले वगैरह वगैरह हिंदू संगठन के लोग लिख रहे हैं, अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती जो इस देश का माहौल सांप्रदायिक माहौल में चेंज करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो बहुत जल्द इसमें एक आंदोलन की डेट रख दी जाएगी अगर कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी से मंडल अध्यक्ष रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, और हमारी जो पीड़ित परिवार हैं हम, तो उनकी हमारी जो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, उससे मुझे बड़ा खून है। मैं 7 साल से जो है ना, मैं भाजपा परिवार से जुड़ा हुआ था, और मैं मंडल अध्यक्ष पद हूँ, और मैं आज से सभी अपने जो भी हुए हैं पद हैं मेरे, मैं उनसे इस्तीफा देता हूँ चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।